आज बात करने वाले हैं भारत के द्वीप समूहों के बारे में। तो ये हमारा जो भारत देश है, इसके अंदर दो सागरीय भाग है। इस तरफ अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो भारत के जो द्वीप समूह है उनमें कुल द्वीप समूह है 247। तो इन 247 द्वीप समूहों के अंदर 43 द्वीप समूह है लक्षद्वीप के अंदर, और 204 द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से द्वीप समूह है। इस प्रकार ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है। तो इन द्वीप समूह के अंदर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, तो उत्तरी अंडमान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। तो उत्तरी अंडमान है वो, इसके ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक लगभग 732 मीटर ऊंची इसी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और उत्तरी अंडमान से सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो है अंडमान का फोकलैंड, फोकलैंड द्वीप। इसी फोकलैंड द्वीप के पास में एक यहाँ पर न्यू मूर द्वीप है, न्यू मूर द्वीप। यह जो न्यू मूर द्वीप है वो पिछले दिनों में ही सागरीय भाग में विलुप्त हो गया था, क्योंकि भारत देश कहता था ये न्यू मूर द्वीप के ऊपर हमारा अधिकार है, और बांग्लादेश वाले कहते थे इस न्यू मूर द्वीप पर हमारा अधिकार है। तो ये क्या हुआ, हाल ही के दिनों में जलमग्न हो गया, तो दोनों की जो वैमनस्य था वो दोनों की ही दूर हो गया। तो ये न्यू मूर द्वीप पानी के अंदर विलीन हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है फोकलैंड। अब पढ़ रहे हैं उत्तरी अंडमान के बारे में। तो उत्तरी अंडमान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तरी अंडमान का जो क्षेत्रफल है वो 1300 वर्ग किमी है, 1300 वर्ग किमी है। और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, या अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। इसके बाद में पढ़ते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, तो मध्य अंडमान की विशेषता है कि मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप समूह है, 1536 वर्ग किमी, 1536 वर्ग किमी। तीनों द्वीप समूहों के अंदर सबसे बड़ा द्वीप समूह है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के पास में यहाँ पर एक बेरन भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बेरन के पास में एक है नारकोंडम। ये जो बेरन द्वीप, बेरन ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जिसके अंदर हर समय उद्गार से लावा निकलता रहता है, और जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है या सुसुप्त ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी के अंदर किसी भी समय उद्गार हो सकता है, हाल फिलहाल के अंदर किसी भी प्रकार का उद्गार नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाले समय के अंदर कभी भी उद्गार हो सकता है। यह है आपकी नारकोंडम ज्वालामुखी। उसके बाद में आता है दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान, तो दक्षिण अंडमान के अंतर्गत हम देखते हैं कि दक्षिण अंडमान में क्या है। तो दक्षिण अंडमान के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है, दक्षिण अंडमान में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1211 वर्ग किमी है लगभग,
1211 वर्ग किमी है, सबसे छोटा द्वीपीय भाग ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अब देखते यहाँ पर छिछरा जल संधि है, इस छिछरा जल संधि के मध्य से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। चैनल ये कार निकोबार है, कार निकोबार और दक्षिणी निकोबार या लघु निकोबार के मध्य से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। अब देखते हैं ये निकोबार द्वीप समूह है, ये कार निकोबार, ये मध्य निकोबार, ये वृहत निकोबार। इस वृहत निकोबार के इस अंतिम वाले स्थान पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहाँ से लिख रहे हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, या इसे पिग हेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग हेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये भारत का सबसे अंतिम दक्षिणतम बिंदु है। ये भी 2004 के अंदर या उसके लगभग जलमग्न हो गया था, लेकिन इसे हम सबसे अंतिम बिंदु मानते हैं। अगर स्थलीय भूमि का अंतिम बिंदु तो केप कोरियम कन्याकुमारी हो गया, लेकिन सबसे अंतिम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सैंडल पीक हो गई, उसके बाद में माउंट धौलीधर नाम की एक चोटी है, धौलीघर नाम की एक चोटी है, वो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो इनके अंदर हम एक दो द्वीप और पढ़ेंगे इस बंगाल की खाड़ी की तरफ वाले में। तो यहां पर एक नदी बहती है हुगली नदी, और हुगली नदी के तट पर यहां पर एक है गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप। तो गंगा सागर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद में आपके यहां पर एक ब्रह्मणी नदी बहती है, ब्रह्मणी नदी, हुगली नदी। इस ब्रह्मणी नदी के तट पर एक वहीलर द्वीप है, वहीलर द्वीप है, और इस वहीलर द्वीप को हम रॉकेट लॉन्चर के लिए मुख्य रूप से जानते हैं। इस वहीलर द्वीप के जो नाम है हाल ही में कर दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इस वहीलर द्वीप का नामकरण कर दिया गया। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक श्री हरिकोटा द्वीप समूह है, जो उपग्रह जो स्थापित करते हैं वो इसी हरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था तुत्ती कोरिन बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है, तुतीकोरिन बंदरगाह। इस तुतीकोरिन बंदरगाह से 4 किमी दूर एक हेलर द्वीप है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि हेलर द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो तुतीकोरिन द्वीप समूह के ये बंदरगाह से 4 किमी दूर स्थित है। फिर यहाँ पर एक पम्बन द्वीप है जो कन्याकुमारी को श्रीलंका से जोड़ता है, जो आदम के पुल को जोड़ता है, वो है पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। तो पम्बन द्वीप भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसे जो हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ होते हैं उनमें से एक रामेश्वरम इसी तट पर या इसी द्वीप के ऊपर स्थित है। अब पढ़ेंगे हम अरब सागर के द्वीपों के बारे में। अरब सागर के द्वीपों में देखो यहाँ पर इस प्रकार से द्वीप फैले हुए हैं, तो इसको कहते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में हमने पढ़ा था कि 43 द्वीप है इसके अंदर, कुल कितने द्वीप है, 43 द्वीप है। इन 43 द्वीपों के अंदर जो लक्षद्वीप है उसके बाद में ये मिनी कोई है, और ये मालदीव है, मालदीव है। अब इन तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो लक्षद्वीप जो द्वीप है इसका एक पावली नामक द्वीप है, उसके ऊपर पावली नामक द्वीप के ऊपर कोई भी प्राणी निवास नहीं करता है, बल्कि एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। उसे हम पावली पक्षी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। वो कहाँ पर स्थित है, वो आपके इस लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, कौन सी है लक्षद्वीप की राजधानी, करावती। ठीक है, उसके बाद में कुछ द्वीप पढ़ते हैं। सबसे बड़ा द्वीप है
आंद्रोद्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आंद्रोद्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप समूह है अमन द्वीप। अमन द्वीप सबसे बड़ा द्वीप समूह है और सबसे बड़ा द्वीप आंद्रोद्वीप। इसके बाद में पढ़ते हैं मिनिकोय के मध्य। तो मिनिकोय के बारे में यही जानकारी प्राप्त होती है हमें कि यहाँ से जो जल डिग्री निकलती है वो 9 डिग्री जनचेन निकलता है। नौ डिग्री जल चैनल, ये है 8 डिग्री जल चैनल। देखो 8, 9 और 10 आर्मी या अन्य वैकेंसियों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये है। अब देखो ये है परवाल भित्ति से निर्मित, परवाल भित्ति से मूंगा की चट्टानों से बने हुए, और ये हिमालय पर्वतमाला यहाँ पर म्यांमार के अंदर अरायो काइनामा पर्वतमाला। अरायो काइनामा पर्वतमाला स्थित है, उसी का भाग है, यानी हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है ये वाला भाग। लेकिन ये मूंगा की चट्टानों से बने, मूंगा छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी चट्टानों से, वो मरने के बाद में एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं और उनसे द्वीप बन जाते हैं। तो ये हमारे अरब सागर के लक्षद्वीप स्थित हुआ। अब यहाँ पर केरल के पास में एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, उसके बारे में भी पूछा जाता है वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है। या फिर आपके पूछा जाता है कि यहाँ पर खंबात की खाड़ी में ड्यू द्वीप है। इस द्वीप की लंबाई है 12 किलोमीटर लंबी, कितने किलोमीटर लंबी, 12 किलोमीटर लंबी ड्यू द्वीप की। उसके बाद में कई द्वीपों के, यहाँ से हमारी अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है आपको पता होगा ब्रंस घाटी में बहने वाली नदी, दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, जिसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर के नज़दीक। तो इस पे दो द्वीप बने हुए हैं खाद्यावेट व आलियावेट। खादियावेट व आलियावेट दो द्वीप समूह बने हुए हैं इसी नर्मदा नदी के। फिर यहाँ पर मुंबई आती है आपके, तो मुंबई है, मुंबई सेल सेट द्वीप पर स्थित है, और जो मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वही इसी सेल सेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मुंबई के पास में ये एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास में स्थित है। इस एलिफेंटा द्वीप ही ये गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। एलिफेंटा द्वीप किसके लिए जाना जाता है, गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये हमारे प्रमुख रूप से द्वीप समूह हुए। धन्यवाद।